सो हे माई YouTube फैमिली, तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। जय श्री राम, और आप लोगों को खासकर जय श्री राम। तो जल्दी से कमेंट में ये जय श्री राम लिख कर मुझे पिन कर दे, ताकि मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के खुशी हो। और आज ना मेरे साथ पता नहीं क्या हुआ, बताऊँ? मेरे पापा का लाइसेंस मुझसे गुम गया। वो तो मेरी छोटी बहन और मम्मी ने मेरी हेल्प की, तब जाके मिला, नहीं तो पापा मुझे डांट लगाने वाले थे। सो कोई नहीं, उनको मिल गया, चलते हैं आगे। तो गाइस, तो यहाँ मैं उठ चुकी हूँ, आई मीन की कब का उठी हूँ, अब मैं किसी के अपने किसी से मिलाती हूँ। ये है मेरी सबसे छोटी बहन, जो कि इस समय वॉइस ओवर कर रही है, तो मेरा हाथ हिला रही है, फोन हिला रही है, आवाज़ें कर रही है। मैंने ये चौथी बार वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये सब है प्यारे बच्चे लग रहे हैं आपको, लेटे हुए हैं चुपचाप, लेकिन ये तो बहुत मस्ती खो रहा है। इसके वजह से एक दुर्घटना हुई जो मैं आपको आगे बताऊँगी, सुनिए। हाँ, तो अभी नहीं थोड़ी देर, तो अभी ना मुझे एक काम करना है, वह है बिस्तर साफ करना, लेकिन मैं कर भी नहीं। इतनी सिर्फ सारी लड़कियाँ को कहाँ मिली जो आपके साथ सारे बच्चे, इसी बात पर ठोक दो लाइक और कमेंट भी कर दो श्री राम, और सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना प्लीज भैया लोग, कर दीजिए। तो मेरे भाई ने इतनी दुष्ट है ना कि सोकर उठ जाते, तो गाइस इसे कहते हैं फूटी किस्मत, जो कि है मेरी इस समय फूटी किस्मत। क्या हुआ, मैं गई नहाने और इन्होंने मुझे बुलाया कि दीदी इधर आना, आपको एक चीज़ दिखानी है। मैं भी गई, हाँ भाई दिखाओ। तो इन्होंने मुझे 50 घंटा लगा दिया दिखाने, फिर बाहर में देख रही दीदी मेरे कस्टम निकाल लिया है। और गाइस फिर उसके बाद जब मैं गई नहाने ना, तो उसके बाद पानी नहीं आ रहा था। इसे कहते हैं फूटी किस्मत। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, ये भी मुझे कमेंट में बताना। और फिर अभी जा रही मेरी मम्मी समरसेबल चालू करने, बनाऊंगी ठंडे ठंडे पानी में, ठंडी में अंधे में इतने भी ठंडी नहीं है। तो मैंने होली के दिन बाल भी बनने साथ किया, क्योंकि ये सुन पर्व था। अब मैं तो सोची थी बनने चैप्टर, बट उस दिन मेरा इंस्टाग्राम का रील था, शूट था, तो मैं नहीं कर पाई, तो कर पाई तो मैंने उसके दिन बात किया। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने, ब्रेकफास्ट करके, ड्रेस पहन कर, और ये डीजर करके, बिकॉज का डिफरेंट टेस्ट मुझे गुड लक बोल दीजिए आप लोग, जल्दी से बोल दिया, थैंक यू। और मेरा टेस्ट मुझे नंबर आएगा, मैं आप लोगों को अगले दिन बताऊंगी, क्योंकि वीकली टेस्ट है ना गाइस। मंडे को छुट्टी था, तो ट्यूजडे को होगा मेरा वीकली टेस्ट। तो अब प्रिपेयर मैंने कर लिया है, अब मैं जो करने जा रही हूँ, तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अब उसके बाद बताते हैं मैंने कितना प्रिपेयर किया है अपना। और मुझे स्कूल भी जाना है, और पता है स्कूल से मैं एक बैड न्यूज़ लेकर पक्का आने वाली हूँ, जो कि आप लोगों को आगे बताऊँगी क्या बैड न्यूज़ लेकर आने वाली हूँ। अब चलते हैं, और यहाँ पर भी मुझे मेरी बहन परेशान कर रही है कि दीदी मुझे भी लेकर चलो ना। अब बताओ नहा कर ये दोबारा नहलाएँ, अपने तो लोग नहा के हीरो बन जाते हैं, हम ही रह जाते हैं। तो ये मैं नहा कर आ गई हूँ गाइस। तो आने के बाद मैं स्कूल ड्रेस भी डाल दी है, मैं जा रही हूँ स्कूल। तो स्कूल से आने के बाद सो गाइस, मैं स्कूल से भी आ गई हूँ। आने के बाद मेरी बैड न्यूज़ ये है कि कल से मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट है, और आज मुझे टाइम टेबल मिला है। ये भी कोई बात होती है, बताए बिना एग्ज़ाम और रिवीजन तो मेरा एक पैसे का भी नहीं है, बताओ, मतलब एक नंबर भी रिवीजन नहीं है। तो मैं कोचिंग से आती हूँ। सो गाइस, मैं कोचिंग से भी आ गई हूँ, और मैं यही व्लॉग एंड करती हूँ, बिकॉज कभी मुझे कहीं जाना है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दो, और टाइम देखो, टाइम हो रहे हैं, अब बताना आप लोग बताना और